हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मार्केट ऑफ पचमढ़ी। तो बहुत से लोगों को ये होगा कि अभी कोरोना चल रहा है तो पचमढ़ी में क्या हाल है। फॉर दैट रीज़न ओनली मैं जो भी करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट एंड आई पुट इट ऑन अ वीडियो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स ऑफ पचमढ़ी और इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट टुगेदर। तो भाई पचमढ़ी के मार्केट में है और थोड़ा खाना भी खाना है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ पानी पूरी। ये स्टॉल है कुछ, अभी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। सो पानी पूरी हो गई है ख़त्म, मज़ा नहीं आया। इस पचमढ़ी मार्केट के अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम बेकरीज टू क्लॉथ, आइसक्रीम पार्लर्स, इवन दोस्त टपरीज जो चाय बेचती है। अभी पीने वाला है चाय, तो चलते हैं चाय स्टॉल पे। द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस फॉर चाय, पंडित जी तिवारी की टी स्टॉल है। सो लेट्स गो। आई केम हियर यस्टरडे एज वेल, उस टाइम पे हम लोग चाय पिए थे एंड दैट वाज प्रीटी गुड। ऑन अ हिल स्टेशन इफ यू डोंट हैव विंटर वियर्स तो मस्ट बाई होता है टोपीज, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से बाई करने वाले हैं। एक तो बोल सकते हैं कि आपको ये विंटर वियर्स अच्छी मिल जाएगी काफ़ी रिजनेबल रेट्स में। येस्टरडे आई हैव बॉट अ कैप फॉर माई मदर, इट्स अराउंड 100 bucks एंड इट्स क्वाइट वार्म सो इट्स गुड। हाँ हमने ये पिक कर लिया है तो इसका पैसा भी दे दिया है। या वूलन वेयर्स ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ वन मोर थिंग मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे ना यू विल गेट ATMs। अप टिल नाउ आई हैव सीन अराउंड 5 ATMs, 6 ATMs इनफैक्ट आई हैव सीन वन मोर देयर। सो 6 ATMs तो मैंने देख लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट होटल बहुत सारे हैं तो यू कैन गेट लाइक हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस। बस सजेशन ये है कि डोंट कम वेन इट्स कोई फेस्टिवल और छुट्टियाँ ज़्यादा रहेगी। ऑफ सीजन में आओगे तो अच्छा डील मिलेगा, नहीं तो फिर महंगा रहेगा। मार्केट के अंदर खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, खिलौने बहुत सारे अवेलेबल है। यहाँ पे यू कैन रेंट अ बाइक, बुलेट से लेकर स्कूटी तक आप हर टाइप की बाइक यहाँ पे रेंट कर सकते हो। मेन मार्केट के अंदर उनके शॉप्स मिल जाएंगे आपको, तो मेन मार्केट के अंदर जाके आप अपने हिसाब से बाइक रेंट आउट कर सकते हो एंड दोज आर रियली गुड। मतलब देखने से तो लगता है, मैंने मेरी बाइक लेके आया था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बट आई हैव सीन देम। यहाँ पे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट मिलता है, फैक्ट्री आउटलेट है, उधर टी स्टॉल्स है। बाय द वे यहाँ पंडित जी से हमें चाय पिया था। इधर हुक्का शॉप्स मिल जाएंगे आपको, मेडिकल शॉप बेवरेजेस के लिए, पानी और सब्ज़ी मार्केट है, मे बी मोस्टली फॉर लोकल लाइट और जो भी ज़्यादा जिनके लिए आता है एंड दे वांटेड टू कुक फॉर देयर सेल्फ कम हियर। बाकी यहाँ की पान भी बहुत अच्छी है, कल हमने ट्राई की थी। और जैसे ये बोल रहा था, ये छोटे छोटे फूड स्टॉल्स आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे। इवन यू विल गेट 100 rupees में बिरयानी। विल गेट टू सी अ डिस्को लॉन्च। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर बट खैर नहीं हुआ। पचमढ़ी के आयुर्वेदिक पूरे दुकानें यहाँ पे मिल जाएगी। कश्मीर एम्पोरियम के नाम एटलीस्ट आई हैव सीन 3 shops, एक पचमढ़ी एम्पोरियम है और जो फैक्ट्री आउटलेट एक था वो। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर शॉप के अंदर कश्मीर वाली चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। वन मोर थिंग फॉर ट्रैवलिंग यू विल गेट यहाँ पे जिप्सीज। बाकी जो मैं बात कर रहा था, दिस बाइक्स आर ऑल देयर फॉर रेंट ऑन दी अदर साइड, यू कैन सी देयर मल्टीपल बाइक्स। बात करके देखते भैया से, भैया ये रेंट के मतलब कैसा पड़ता है? ये 600 rupees से स्टार्ट है। 600 rupees से कौन सा मिनिमम? ये स्कूटी खड़ी जो, अच्छा स्कूटी 600 से स्टार्ट है एंड बुलेट वगैरह के लिए 1500-2000। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है, वो 2015 मॉडल है, ये 2020 मॉडल है। अच्छा और नॉर्मल बाइक्स? ये 700 rupees की आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ये आपका ऑल टाइम शुरू रहता है ना? मतलब ऑल टाइम मतलब अभी रात में बंद हो जाएगा सर? सुबह नहीं, ऑल टाइम मतलब थ्रू आउट द ईयर शुरू रहता है या फिर सिर्फ जब सीज़न होता है उस दिनों में? हमेशा शुरू रहता है। तो अभी हमने सत्येंद्र भाई से बात की है और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि दे हैव फ्यू थिंग्स। एक ही बस है, मैं रखी ना रखी उसको
ये मेरा देव टूर एंड ट्रेवल्स है, दो होटल भी है मेरे, होटल संस्कार और विजय। ओके ओके ओके, तो इनके होटल्स भी है एंड आई थिंक वो जिप्सी भी बुक कराते हो आप, है ना? जिप्सी ऑल इंडिया पिकअप ड्रॉप भी है। ओके, ऑल इंडिया पिकअप ड्रॉप, तो ये उनका कुछ कार्ड है, तो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, इट्स एन गुड ऑप्शन टू ट्रैवल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हैंडक्राफ्टेड चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, लाइक दिस वन इज़ द शॉप जो मैं बचपन से यहाँ पे ख़रीदता हूँ, और जनरली इस टाइम में यहाँ के लोग दे डू अ बॉनफायर थिंग, और उस बॉनफायर पे हाथ सेकते हैं वो लोग। दिस वॉज अ प्लेस जहाँ पे मैंने कल खाना, साई की रसोई, इट वॉज़ गुड गुड यार, लाइक खाना भी अच्छा था और 1000 रुपये के अंदर 6 लोगों का खाना हो गया था, तो इट वॉज़ प्रीटी डिसेंट। दिस वॉज द शॉप फॉर हैंड क्राफ्ट आई टोल्ड यू अबाउट। भीड़ बहुत है इसलिए आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग इनसाइड। वेल लुकिंग फॉर यहाँ का चौपाटी, यू एनकाउंटर्ड अ फ्यू डिफरेंट होटल्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्रियन होटल, इट सेल्स महाराष्ट्रियन थाली 70 रुपीज़, देयर मेनी मोर। तो ये सब होटल्स है यहाँ पे। फाइनली वी आर नियर बाय चौपाटी, चौपाटी छावनी परिषद पचमढ़ी, तो यहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे अभी, तो मैं भी खाना होने के बाद बात करता है। वी आर जस्ट डन विथ खाना, नूडल्स राइस मंचूरियंस ये सब चीज़ें खाए हमने, बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, नॉर्मल रेट्स थे 70-65 रुपीज़ पर प्लेट, और अभी दुख रहे पैर अच्छे वाले, तो अभी मैं जाके सोता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लेट मी नो आपको इस मार्केट वाले सीन के अंदर कौन सा सेक्शन ज़्यादा पसंद आया, एंड यहाँ तक देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।